वेलकम डियर ऑकर्ट्स, दोस्तों स्वागत है आपका इस खतरनाक डायनासोर्स की मूवी में। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अतीत के किसी एक समय में एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है, जिसके कारण वहां के आसपास का जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक जानवरों का जन्म होने लगता है जिन्हें बहुत पहले विलुप्त मान लिया गया था। और फिर वहां इंसान जाने का फैसला करते हैं ताकि वे उन जानवरों का अध्ययन कर सके। अब जब जांच चल रही होती है तो चीफ साइंटिस्ट, जिनका नाम डॉक्टर जाओ होता है, उन्हें एक प्राचीन जानवर का बहुत ही बड़ा अंडा मिलता है, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके कैंप में बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। तभी एक सैनिक देखता है कि उनका एक साथी पूरे शरीर में खून के साथ उनकी तरफ आ रहा है। अब ये देखकर सैनिक मदद के लिए रेडियो में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जानवर उसको खा लेता है। अब कैंप में दिखाते हैं तो सभी को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है, जिससे वे तुरंत बाहर निकल सके और वो एक विशाल डायनासोर पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि गोलियों का डायनासोर पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि डायनासोर इससे और भी ज्यादा गुस्सा होकर उन लोगों पर दहाड़ मारता है और फिर वो विशाल डायनासोर सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है और चट्टानों को गिरा गिरा कर लोगों को कीड़ों की तरह कुचल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो टेरेक्स डायनासोर सैनिकों को रैगडॉल की तरह दूर फेंक देता है, जिसके कारण डॉक्टर जाओ को अपनी जान बचाने और छिपने के लिए इमारत में भागना पड़ता है। पर वो डायनासोर खिड़की से टकरा जाता है और डॉक्टर को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैनिक आते हैं और उस जानवर पर बॉम्ब फेंक कर उसका बुरा हाल कर देते हैं और वहां पर एक विस्फोट होता है। और इसी बीच साइंटिस्ट को वहां से अंडा लेकर भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो डायनासोर इंसानों को मच्छरों की तरह कुचल रहा होता है, पर गलती से ऑयल कंटेनर में आग लग जाती है और सब कुछ टुकड़ों में उड़ जाता है। पर डॉक्टर देखता है कि वो विशालकाय डायनासोर अभी भी जिंदा है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में भागना पड़ता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ एक घास के मैदान में चले जाते हैं और वो डायनासोर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, जिसके डर के कारण वो नीचे गिर जाता है। फिर डायनासोर धीरे धीरे उसको मारने के लिए उसके पास पहुंचता है और अपने विशाल जबड़े का प्रयोग कर डॉक्टर पर हमला कर देता है। और अब इसके बाद सीधे 20 साल के बाद दिखाते हैं, एक साइंटिस्ट जिसका नाम शैली होता है, वो भी उस आइलैंड की तलाश में होती है। और जब वो अगले दिन काम पर जाती है तो उसको अंदर जाते ही पता लग जाता है कि उसके ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ी है। हम देखते हैं कि एक जापानी औरत उसके पीछे खड़ी हुई है और फिर आखिरकार वो एक बिजनेसमैन से मिलती है जिसका नाम मिस्टर डू होता है, और वो जानता है कि शैली डॉक्टर जाओ की बेटी है जो जुरासिक आइलैंड पर गायब हो गया था, और वो चाहता है कि वो तुरंत उन तस्वीरों का पता लगाए जो उनके पास है। हालांकि तस्वीरों को देखने के बाद शैली दावा करती है कि ये सुराग बेकार है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए बोल देती है। अब शैली उस रात घर जाने से पहले वो तुरंत मिली गई नई जानकारियों का उपयोग करना शुरू कर देती है और जल्दी जुरासिक आइलैंड की सटीक लोकेशन का पता लगा लेती है। फिर वो अपने पिता की तलाश के लिए तुरंत घर छोड़ देती है, लेकिन उसे जल्दी से कुछ आदमियों का झुंड घेर लेता है और वो सभी लोग मिस्टर डू के लिए काम करते हैं। फिर एक रहस्यमय आदमी आता है और तुरंत उसका बैग ले लेता है और फिर मिस्टर डू अपनी कार में निकलते हैं और वो डॉक्टर पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। मिस्टर डू शैली को एक ऑफर देता है कि वो उसके पिता को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसको आइलैंड का पता लगाने में उसकी मदद करनी पड़ेगी और मिस्टर डू का एक ही लक्ष्य है कि वो उस उल्कापिंड को हासिल कर सके। अब शैली के पास इस ऑफर को हाँ बोलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन वो ये बोलती है कि उन्हें उसके निर्देशों का पालन करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब सभी लोग जल्दी हवाई जहाज पर चढ़ जाते हैं और आयरलैंड की उड़ान भरते हैं। फिर मिस्टर डू उसे निक से मिलवाते हैं जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट होता है, और सैंगी से भी मिलवाते हैं जो उनके सुरक्षा के लिए काम करता है। और फिर जल्दी टीम आइलैंड के किनारों पर पहुंच जाती है और वे जल्दी से हवाई जहाज से बाहर पैरासूट के उपयोग से कूद जाते हैं। अब जैसे ही वो रहस्यमय जंगल के सेंटर में बढ़ते हैं, वो सभी एक साथ फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का पता चलता है कि यहाँ के जानवर किसी और रूप में बदल गए हैं। फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, पर वो इस बात को महसूस नहीं करते कि खतरा पहले से यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक मक्खी एक सैनिक के मुंह में घुस जाती है। पर वो सैनिक अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन शैली जल्दी नोटिस करती है कि वहाँ पर और भी कीड़े हैं, लेकिन वो कीड़े तो काफी समय पहले विलुप्त हो गए थे। वो तुरंत ये बताने के लिए दूसरों की ओर भागती है, जबकि संक्रमित सैनिक जमीन पर गिर जाता है और तेजी से कांपने लगता है। अब डॉक्टर जल्दी से उसके पास भागती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। वो उस सैनिक के अंदर से कीड़ा तो निकाल लेती है, लेकिन वो कीड़ा कुछ ही मिनट्स में काफी बड़ा हो जाता है। अब ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। और फिर यूकी जल्दी उस जीप पर गोली चलाने लगती है, पर मिस्टर डू सभी को अपना समय बर्बाद न करने के लिए कहता है और कहता है जल्दी से यहाँ से दूर चलो। और फिर जल्दी वो जंगल में से बहुत ही दूर चले जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें दो रास्ते मिलते हैं और उन्हें ये फैसला करना होता है कि किस रास्ते पर जाना है और कौन सा रास्ता सही होगा। और फिर सेंगजी अपने कुछ आदमियों को लीड करने का फैसला करता है ताकि वे किसी भी खतरे के लिए आगे की सड़कों का पता लगा सके।
अब सैंगजी और उसके लोग बंदूक लिए सावधानी से क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और अचानक उन पर एक विशाल पूंछ वाला जीप हमला कर देता है और सैनिक तुरंत उस जीप पर गोली चलाते हैं, पर जीप फिर भी उन पर हमला करता ही रहता है और अब उनके पास वापस भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब सैंगजी जल्दी अपने साथियों के पास आता है और उन्हें भागने के लिए बोल देता है, जिसके कारण सभी दूसरे रास्ते से भागने लगते हैं और फिर सभी लोग जल्द से जल्द बाहर जाते हैं और उस विशाल राक्षस की घबराहट के मारे प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वो विशाल जीप पेड़ों के पीछे रेंग रहा होता है। फिर वो जीप पेड़ों में से बाहर आ जाता है और उसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही विशाल सांप होता है और वो सांप उन लोगों पर बड़े ही उग्र रूप से घूरने लगता है। तभी ये देखकर निक को एक आइडिया आता है और वो डायनामाइट निकालता है और उस विशाल सांप पर फेंकने की कोशिश करता है, पर वो डायनामाइट उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही वो विशाल सांप उस पर हमला करने वाला होता है, सैंगजी उस डायनामाइट को जल्दी से पकड़कर उस विशाल सांप के चेहरे पर फेंक देता है, जिसके कारण एक बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन सांप को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो और भी गुस्से में आ जाता है और सब मिलकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, पर गोलियों का उस सांप पर कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं होता और अब वो जीव सभी लोगों को रैग डॉल की तरफ फेंक देता है और उन्हें जमीन की ओर गिरा देता है, जिसके कारण वो सैंगजी को भी घेर लेता है, लेकिन किस्मत से वो उसको चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जल्दी ही वो फिर उसको मैदान में भी फेंक देता है। अब दूसरे सैनिक उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन सभी लोगों को अपने जबड़े में वो निकल जाता है। अब सैनिक विशालकाय सांप पर गोली चलाना जारी रखते हैं, लेकिन सैंगजी को जल्दी पता चलता है कि उनकी गोलियां खत्म हो रही है, पर हालत और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं जब शैली अपने रास्ते से आ रही कंपन को महसूस करती है और फिर उन लोगों को जल्दी पता चलता है कि वहां एक विशाल टेरेक्स के रूप में एक दूसरा जीव उनके पीछे आ रहा है। फिर वो राक्षस एक दूसरे की ओर दहाड़ने लगते हैं और ये लोग देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं कि जीवों ने लड़ना शुरू कर दिया है और जल्दी डायनासोर उस विशाल सांप को टुकड़ों में फाड़ देता है और बचे हुए लोगों पर लगातार दहाड़ मारने लगता है। तभी यूकी ये देखकर एक बड़ी राइफल निकालती है और बेहोश करने वाली गोली उस डायनासोर पर चला देती है, पर इस हमले का उस पर जरा सा भी असर नहीं होता और अब वो डायनासोर उनके पास आने लगता है, जिसके कारण मजबूरी में उन सभी को वहां से भागना पड़ता है। अब बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और वो विशाल डायनासोर उनका पीछा कर ही रहा होता है, जिसके कारण उनके पास जंगल में वापस भागने के अलावा और कोई चांस नहीं होता। फिर वे लोग एक बहुत ही बड़े केव के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि वो जीप बहुत बड़ा है तो वो केव के अंदर नहीं आ पाता और अब वो सभी लोग गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं और फिर शैली मिस्टर डू के पास जाती है और इस आइलैंड को छोड़कर तुरंत जाने को बोल देती है, लेकिन वो इस मिशन को छोड़ने से इनकार कर देता है और फिर यूके शैली को गन दिखाकर कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। अब ये देखकर सैंगजी उन सभी को रोकता है और बिना किसी जानी नुकसान के उस उल्कापिंड को खोजने का वादा करता है और शैली को बोलता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो वो उसके करीब ही रहे। अब अगली सुबह वो इस आइलैंड पर बनी 20 साल पहले की इमारतों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन मलबे और विनाश के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता, पर एक सैनिक को बचे हुए ढांचे के अंदर कुछ अंडे मिलते हैं और वो इस बात को बाकी लोगों को बताने के बजाय सभी अंडे खुद रखने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो कि लंबे लंबे घास से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि खतरा पहले से यहाँ पर भी है। फिर सभी लोग एक लाइन में आगे चल रहे होते हैं और बहुत ही जल्द उन पर घास के अंदर से शाती रैप्टर्स हमला कर देते हैं और फिर सैंगजी लोगों को तुरंत भागने के लिए बोल देता है, जबकि सभी सैनिक दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो जाता है कि वे पूरी तरह से जीवों से घिरे हुए हैं और फिर जानवर सैनिकों पर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब शैली दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी एक और रैप्टर उसके रास्ते में आ जाता है और सैंगजी ये देखकर मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर वो उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। फिर एक सैनिक अपने कप्तान को बचाने के लिए उसके पास मौजूद हर चीज से कोशिश करता है, लेकिन जल्दी वो रैप्टर उस सैनिक को फाड़ देता है। अब सैंगजी मौका देखकर उस रैप्टर को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वो जानवर बिना एक खरोंच के फिर से ठीक हो जाता है और किस्मत से निक एक डायनामाइट को उस जानवर पर फेंक देता है, जिसके कारण वो जानवर लाखों टुकड़ों में उड़ जाता है। अब उसी समय यूकी का कोई दूसरा डायनासोर पीछा कर रहा होता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, पर उस डायनासोर के हमला करने से पहले मिस्टर डू उसको बचा लेते हैं और अपनी राइफल का यूज करके उस जानवर को मार देते हैं और इस तरह सभी लोग जल्दी से फिर से इकट्ठा होकर इस घास के इलाके से निकल जाते हैं और एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जो और भी ज्यादा डायनासोर से भरा हुआ है और बहुत ही जल्द वो लोग देखते हैं कि एक विशाल टेरेक्स उनके रास्ते से चलता आ रहा होता है और वो तुरंत छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो विशाल टेरेक्स दूसरे डायनासोर का पीछा कर रहा होता है और जब वो डायनासोर चले जाते हैं तो ये सभी चैन की सांस लेते हैं। पर सैंगजी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो अपने किसी भी दोस्त को नहीं बचा पाया। हालांकि मिस्टर डो को किसी की परवाह नहीं होती क्योंकि वो अभी भी किसी भी कीमत पर उल्कापिंड की तलाश जारी रखने की मांग करता है और सैंगजी उसकी इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच बहस जारी होती, उन लोगों को एक भयानक दहाड़ सुनाई देने लगती है जो उस टेरेक से आई होती है जिसने उन पर पहले हमला किया था,
जिसके कारण वो उस विशालकाय जानवर पर गोली मारना फिर से शुरू कर देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन वो जानवर शैली को भागते देखकर उसके पीछे आने लगता है और फिर सेंगी भी उस जानवर पर गोलियां चलाने लगता है और वो जल्दी से एक ऐसे कोने में चले जाते हैं जहां भागने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। पर अचानक से कोई और चीज उनके रास्ते में तेजी से आ रही होती है जिसके कारण उस टेरेक्स का ध्यान कहीं और चला जाता है और वो सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक विशाल डायनासोर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ आता है और अब वो विशाल जानवर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। पर उस छोटे टेरेक्स को बड़ा जानवर मैदान में गिरा देता है और मजबूरी में उस छोटे टेरेक्स को वहां से भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उस विशाल डायनासोर से नीचे कूदता है और उसकी मदद करने के लिए वो उस जानवर का धन्यवाद करता है और उसको वहां से जाने के लिए बोल देता है। और फिर वो एक पागल आदमी की तरह उन दूसरे लोगों के पास जाता है और वो दूसरे लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। अब उसकी बातचीत चली रही होती है कि उससे पहले वे जल्दी एक और दहाड़ सुनते हैं क्योंकि क्रिम्सन टेरेक्स एक बार फिर दूसरे डायनासोर पर हमला करना शुरू कर देता है और इस बार वो बड़े डायनासोर को काटने में सफल भी हो जाता है जिसके कारण वो दर्द में चिल्लाता रहता है। लेकिन लड़ाई जल्दी फिर से बदल जाती है क्योंकि बड़ा डायनासोर यानी कि टेरेक्स दुश्मन डायनासोर को जमीन पर गिरा देता है और वो क्रिम्सन डायनासोर की नेक को तोड़ देता है और उसको खत्म करता है। पर उसके बाद वो ब्लैक टेरेक्स डायनासोर थकने के कारण नीचे गिर जाता है और अब वो बूढ़ा आदमी तुरंत उस जानवर की ओर जाता है ये देखने के लिए कि उसका दोस्त घायल तो नहीं हुआ। अब दूसरे लोगों की उपस्थिति के कारण वो जानवर बड़ा ही चौंक जाता है और बड़ा ही अलग बिहेव कर रहा होता है। पर वो बूढ़ा आदमी उस जानवर को शांत करने की कोशिश में लगा रहता है और कहता है कि ये हमारे ही दोस्त हैं। और जब वो जानवर को वश करने की कोशिश कर रहा होता है तो शैली उस अजनबी को बड़े ही दिलचस्प तरीके से देख रही होती है और जल्दी उसे महसूस होता है कि बूढ़ा आदमी उसके पिता से कितना मिलता जुलता है जो जवानी में ऐसे काम किया करते थे। और फिर वो अजनबी अपने दोस्त को शांत करने में सफल भी हो जाता है और वो जानवर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और उसको शांति से छोड़ देता है। और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो शैली बूढ़े आदमी को बताती है कि वो उसके पिता हैं जिसे वो पूरे समय से ढूंढ रही थी और फिर उनकी जब मुलाकात होती है तो वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर डॉक्टर जाओ अपनी बेटी को बताता है कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था। तब पास्ट का सीन दिखाते हैं। उन्हें उस शिकारी टेरेक्स ने कभी मारा ही नहीं था क्योंकि पिछले घावों के कारण डायनासोर पहले ही मर गया था और जब बच्चा टेरेक्स अंडे से बाहर निकलता है तो वो डॉक्टर जाओ को ही गलती से अपनी माँ समझ लेता है और डॉक्टर जाओ इतने सालों से उस जानवर टेरेक्स के कारण ही अभी तक जीवित होते हैं क्योंकि उस जानवर ने पूरे समय उनकी रक्षा की होती है। और वो अपनी बातचीत जारी रखते हैं पर मिस्टर डू उन्हें जल्दी रोक देता है और मिस्टर डू के लोग उनको घेर लेते हैं और वो डॉक्टर जाओ से पूछते हैं कि उल्का पिंड की सही लोकेशन क्या है। लेकिन डॉक्टर जाओ तुरंत मना कर देते हैं क्योंकि उसी उल्का पिंड की मैग्नेटिज्म के कारण ये आइलैंड टूटने से बचा हुआ है। अब ये सुनकर मिस्टर डू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका कीमती समय बर्बाद करने के लिए शैली को मारने की धमकी देता है और डॉक्टर जाओ को उल्का पिंड की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सूरज ढलने वाला होता है तो लोग उल्का पिंड की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जो बहते हुए लावा के ठीक ऊपर होता है। और फिर डॉक्टर जाओ बताते हैं कि आग की ये लपटें थोड़ी देर के लिए सतह की ओर निकलती हैं और इसके बाद इस पूरी जगह में अंधेरा हो जाएगा और फिर बहुत ही जल्द वे लोग उस चीज को ढूंढने में सफल भी हो जाते हैं जिसे वे ढूंढ रहे होते हैं और वो विशाल उल्का पिंड मैदान के सेंटर में होता है। और फिर मिस्टर डू जल्दी से सैनिकों से कहते हैं जिन भी लोगों ने उनका विरोध किया था उन सभी को वहां से हटा दो ताकि वो लोग उनके प्लान में जरा से भी दखल न दे। और वो निक को तुरंत एक्सप्लोसिव लगाने के लिए कह देता है ताकि वे उस उल्का पिंड को घर ले जा सके और अपनी कल्पनाओं से भी ज्यादा अमीर बन सके। पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे पहले जिन रैप्टर से लड़े थे वे अब अपने आप को ठीक करने में कामयाब हो गए हैं और वो रैप्टर सीधे इन्हीं की ओर आ रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले उनके अंडे चुरा लिए थे। और फिर हम देखते हैं कि उसी समय सेंगजी अपने चाकू का उपयोग करके रस्सियों को काटना शुरू करता है लेकिन तभी वे जल्द ही शातिर डायनासोर को देख लेते हैं जो चोरों को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब इससे पहले कि वो जीव उन लोगों पर हमला कर पाते एक बड़ा विस्फोट जानवरों का ध्यान हमला करने से हटा देता है लेकिन वो बम उल्का पिंड को हटाने में असफल हो जाता है। अब इसको देखकर वो निक को और भी ज्यादा डायनामाइट्स का उपयोग करने के लिए मजबूर कर देता है लेकिन इससे पहले कि वो बम को लगा पाता डायनासोर्स तुरंत सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रैप्टर्स भी सैनिकों को पकड़ लेते हैं और उन्हें जमीन पर गिराकर उनके टुकड़े कर देते हैं। फिर भी वो लोग वापस लड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वे कीड़ों की तरह मारे जाते हैं और फिर जिसके कारण वे सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से गुस्से में आए डायनासोर से घिरे हुए हैं और वो रैप्टर्स उन लोगों पर दहाड़ने लगते हैं जबकि वो भी उन रैप्टर्स को वापस भगाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि कुछ तो गलत है क्योंकि वो जीव उन पर हमला नहीं कर रहे होते हैं। और फिर निक को पता चलता है कि वो आग की लपटों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं जिसके कारण युकी तुरंत एक फ्लेयर निकालती है और उसी समय सेंगजी अपनी रस्सियों को खोल देता है और वो जल्दी से दूसरों की रस्सियों को भी खोल देता है और सभी भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि फिर डॉक्टर जाओ उन लोगों को बताता है कि अगर उल्का पिंड नष्ट हो जाता है तो ये पूरा आइलैंड ढह जाएगा और वो सभी मारे जाएंगे।
अब इससे पहले कि वो ये सोच पाते कि आगे क्या करना है, सभी आग की लपटें जल्दी से गायब होने लगती है, जिसके कारण युकी क्षेत्र को रोशन करने के लिए फिर से आग लगा लेती है। फिर उन लोगों को जल्दी एहसास होता है कि अब केवल वे लोग ही बचे हैं, और तभी एक सैनिक को दिखाते हैं जिसको धीरे धीरे वो रैप्टर्स मार रहे होते हैं। वो उसकी पीठ पर काट रहे होते हैं और आखिरकार उनको उनका अंडा मिल जाता है। अब सैंगजी ये देखकर मिस्टर डू पर गोली चला देता है, पर वो उसको जान से नहीं मार पाता। और फिर युकी भी गोली चलाना शुरू कर देती है और सभी को चट्टानों के पीछे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। युकी फिर मिस्टर डू के घावों को पट्टी करने की कोशिश करती है और तभी सभी आग की लपटें एक ही समय में लौट आती है, जिसके कारण लोगों को एक बार फिर से देखने का मौका मिल जाता है। और फिर युकी अपने सभी दुश्मनों को कीमत चुकाने का वादा करती है और वो उनको मारने के लिए बाहर जाती है। हालांकि सैंगजी तभी उसके पीछे बंदूक रख देता है, लेकिन युकी अपनी तलवार का उपयोग करके उसके साथ लड़ने लगती है, लेकिन तभी वो सैंगजी के पैर पर गोली मार देती है और सैंगजी जल्दी वापस भागता है और बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर तौर पर वो युकी का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। अब इससे पहले कि युकी उस पर हमला करती, शैली उसके पीछे से गोली मार देती है और सैंगजी की इस तरह जान बच जाती है। और जब उन्हें लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, तब मिस्टर डू शैली की ओर जाने लगता है और उसका गला पकड़कर उसको धमकाने लगता है और चिल्लाते हुए निक को कहता है कि उल्का पिंड उड़ा दो। डॉक्टर जाओ तुरंत उसको रोकता है और कहता है कि उल्का पिंड साइलेंट को एक साथ पकड़े हुए हैं और अगर उल्का पिंड फट गया तो हम सभी मारे जाएंगे। अब ये बात सुनकर निक का मन बदल जाता है और वो बॉम्ब्स का कंट्रोल मिस्टर डू को देने का वादा करता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि उसको उन सभी को छोड़ना पड़ेगा। और फिर जैसे ही मिस्टर डू को कंट्रोल मिलता है तो वो शैली और उसके दोस्तों को छोड़ देता है, लेकिन जल्दी उसको पता चलता है कि ये कंट्रोल तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मिस्टर डू और भी गुस्से में चिल्लाने लगता है और धोखा देने के लिए उन सभी को मारने का वादा करता है, लेकिन तभी निक उस आदमी को और एक आखिरी बॉम्ब फेंकता है जो कि उसके चेहरे पर उड़ता है और खत्म। और अब वो इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं और साथ ही में इस आइलैंड को इंसानों के लालच से नष्ट होने से बचा लेते हैं। फिर वो सभी समुद्र तट की ओर बैठे हुए होते हैं और वो शांति से सूर्यास्त को होते हुए देखते हैं, जबकि विशाल डायनासोर भी उन पर नजर रख रहा होता है। और वो लोग जल्दी बचाव विमानों से एक सेना को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जो आखिरकार उनको घर जाने की अनुमति दे देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, और आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।